अब राजनीति की बात करने का ये अवसर भी नहीं है, लेकिन वो स्थिति जो हो, जातिवादी हम हो गए हों, संप्रदायवादी हम हो गए हों, वो सब अपनी जगह। लेकिन 15 अगस्त आया तो उल्लास आँखों में भी झाँकता है, शासन में भी झाँकता है, शहर में भी झाँकता है। मैं संतुष्ट हूँ, बहुत विकास हुआ है। तो बिगड़ा क्या आज़ादी से? आज़ादी से बिगड़ा हमने अपने को लोकतंत्र कहा। तो कई लोग पूछते थे, माता जी ने बताया कि कई लोग पूछते थे कि पाठक जी इन बच्चों क्या उल्टा पुल्टा नाम रखे हैं। तो पिताजी कहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया है, कुछ सालों के बाद जब तक ये बच्चे बड़े होंगे कोई जात पात पूछने वाला नहीं होगा। वो बस इन्हें गिने घरों में और सड़कों पर कोई आज़ादी का उल्लास हो उस समय ऐसा नहीं था। असल में ये कहानी छन छन करा रही थी कि किस मूल्य पर हमने ये आज़ादी पाई। इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज इतने शातिर थे कि गए तो हमको लूल्हा करके गए, काट करके भारत माता के तन को। मारपीट सड़क पर हो रही है वो तो दिख नहीं रहा, हम तो घर बंद हैं, लेकिन छत पर चढ़ के बजरंग बली की जय है तो उधर सो रहा है अल्लाह अकबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आज़ादी के लिए सैकड़ों बलिदान दिए गए, असंख्य लोगों की कुर्बानियां हुई और तब जाकर अंग्रेज़ों के शोषण से हमें मुक्ति मिली, आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी का वो पल, आज़ादी का वो दिन आज भी कुछ लोगों के जेहन में अविस्मरणीय है। तो आज़ादी का वो दिन कैसा था, क्या हुआ था उस दिन, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रांची विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी 86 साल के हो चुके हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय वो 9 या 10 साल के थे और तब उन्होंने क्या देखा था हम उनसे जानते हैं। सर, आज़ादी को 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है देश। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आखिर उस समय जब मैं केवल 9 साल का था कहाँ। मेरी पैदाइश बिहार शरीफ की है, मेरे पिताजी वहनानंदा कॉलेज प्रोफेसर थे। तो कुछ बातें जो दिमाग में सुनी थी, छोटा भी था इसलिए देश आज़ाद हो रहा है, आज़ाद मैंने तो अंग्रेज बाहर अब जा रहे हैं, लेकिन देश को एक चोट देकर जा रहे हैं, देश का बंटवारा करके जा रहे हैं, ये बात भी समझ में आ रही थी। उसके दो चार दिन पहले की घटना है, मैंने ऐन 15 अगस्त के दो चार दिन पहले की, मेरे पिताजी को बाढ़ के पास एक कॉलेज नया नया खुला था तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि पाठक जी आके हमारे कॉलेज को संभाल दीजिए। मैंने प्रिंसिपल के कुछ दिन कैपेसिटी में रहिए तो लियन ले कर ये वहाँ गए थे। सैटरडे की शाम को चले आते थे, बिहार शरीफ बहुत करीब है, और संडे मंडे की सुबह चले जाते थे। पिताजी माताजी से भोजपुरी में बात करते थे, माताजी मैठी बोलती थी और हम उनसे हिंदी में बात करते थे। एक घटना मुझको याद आती है, पिताजी जब आए बहुत धुंधली याद है, उन्होंने माताजी से कहा कि आज कलेजा गनगन आ गई। क्यों कलेजा गनगन आया? उन्होंने बताया कि बाढ़ जब पार करोगे तुम ट्रेन से तो बीच में एक महाने नदी पड़ती है। बाद में बहुत सी किताबों में हमने पढ़ा तब उसको रिकलेक्ट किया। हुआ क्या था कि 47 के कुछ पहले से और बहुत बाद तक वो खुरेजी होती रही। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान हमने पढ़ी है, वहाँ से जो ट्रेन खुलती थी, जो हिंदू भारत में आना चाहते थे अपनी बहनों बेटियों माओं के साथ ट्रेन में बैठे हैं, और कुछ मुसलमान लफंगे, इधर भी लफंगे थे इसलिए मुसलमान को मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, तो वो लफंगे ट्रेन में अपने दोस्त को इशारा करते थे, चेन खींच दी जाती थी, गाड़ी रुक गई, घुसकर जवान जवान लड़कियों को नीचे उतारते थे, बदसलूकी, इससे दूसरा शब्द मैं नहीं कहूँगा, करते थे, और किसी को मैंने जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तलवार लिया स्तन काट दिया। इस तरह से मैंने उनका उपभोग भी किया, उनको अपंग भी कर दिया, फिर ट्रेन में फेंक दिया जैसे लूंज बूंज कोई चीज़ हो। इस तरह से जब दिल्ली में वो गाड़ी पहुंचती थी तो जैसे उसमें जिंदा लोग नहीं, लाशें होती थी।
औरतों को पहले बचाया जाए, जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मर्द था हम अगली गाड़ी से आएंगे तुम लोग निकलो। और तुम दिल्ली स्टेशन पर हुआ क्या था उस दौर में, ये मैंने बाद में जोड़ के समझा, लेकिन उससे रिकलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि दिल्ली में बहुत भीड़ थी। शरणार्थियों को एडजस्ट करने के लिए भी समय लगेगा ना, तो बहुत भीड़ थी और कुछ पता नहीं था। अब लाहौर से वो आ रहे हैं तो कहाँ जाना है भारत में, किसी भी गाड़ी पर बैठ गए जिसमें थोड़ी भीड़ कम दिखी और किसी भी स्टेशन पर उतर गए जहाँ लगा खाली खाली है। तो बाढ़ जो हम लोगों का है ना, वहाँ पर एक समय पंजाबी महिलाओं की भीड़ थी, चलते चलते चले जा रहे हैं, कहा भाई कहाँ जाएगी ट्रेन, कलकत्ता जाएगी, बैठे हुए देखा कि सन्नाटा है, छोटा स्टेशन है, उतर गई। लोग बताते हैं कि वो पंजाबी औरतें रोती रहती थी और वो इलाका दबंग इलाका है, जातियों को नाम नहीं लूँगा लेकिन दबंग जाती हैं वहाँ। उन्होंने जब अपनी बहनों को देखा कि रो रही हैं पंजाबी बहनें, क्या हुआ क्यों रोती हो, अपनी बेटी को ऐसे करते ऐसे ले गया, इसको बेइज्जत किया, देखिए इसका काट दिया, ये खून अभी बह रहा है, किस तरह से कपड़े वपड़े सुखाए। वो किसी मुसलमान लड़की को लेकर आते थे और काट देते थे, ऐसे काटा था ना, अब चुप हो जाइए। मैंने बाढ़ में इतनी खुरेजी बढ़ गई थी कि अंत में नोआखाली से गांधी जी को पकड़ के ले गए थे नेता, वहाँ के लोकल नेता, कि बापू आपके बिना बाढ़ नहीं संभलेगा। वही बाढ़ बिहार वाला बेल्ट था। ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि वो खुरेजी लोगों के दिमाग में थी 15 अगस्त के पहले कि किस कीमत पर हमने ये आज़ादी पाई है। अब बता हूँ कि 9 साल की उम्र में हमने क्या देखा था, सिर्फ इतना याद है कहीं कोई वैसा उल्लास नहीं था कि हम आज़ाद हो गए हैं। ये धुंधली याद है, कुछ कांग्रेसी थे, उन्होंने सुबह सुबह प्रभात खेड़ी छोटे क्षेत्र में निकाली थी और सड़कों पर भी नालंदा कॉलेज में पिताजी का फंक्शन, मुझको धुंधली याद है, संभव उनके साथ गया हूँ, मेरे स्कूल में तो कोई फंक्शन नहीं हुआ था। तो वो मिलिट्री गाड़ियाँ अगर तुमको याद हों, वो बीच में एक गोल जैसा बना रहता है और केवल सर निकाल कर मिलिट्री वाले देखते हैं, कोई खतरा हुआ सीधे भीगे घुस जाते हैं, उसी तरह की गाड़ियाँ शहर में यहाँ से वहाँ तक गश्त कर रही थी। घरों में झंडा फहराने कोई सवाल नहीं था, छतों पर लोगों ने, अब जो बंदूक पिस्तौल वाले हैं वो उससे लैस थे दोनों तरफ से, और जो लोग सामान्य लोग थे उन्होंने छत पर पत्थर के टुकड़े ईंट के टुकड़े रख छोड़े थे, बंदूक निकालेगा तो हमारे पास तो कुछ है पत्थर ही मार के भगाएंगे। और ये हमको तो मेरे कहीं अवचेतन में भरा है कि इधर से बजरंग बली की जय हो रहा है अकारण, मारपीट सड़क पर हो रही है वो तो दिख नहीं रहा, हम तो घर बंद हैं, लेकिन छत पर चढ़ के बजरंग बली की जय है तो उधर से हो रहा है अल्लाह अकबर अकबर क्या तकदीर हमारा नारा कुछ है। ये माहौल था, उसमें आज़ादी की खुशियाँ कहाँ से दिखेंगी पहली बार। लेकिन कॉलेज में झंडा फहराया गया था, वही मिलिट्री की गाड़ियाँ घूम रही थीं, किसी किसी घर पर हमको याद है कि लोगों ने एक तिरंगा छोटा मोटा जैसा भी हो, मुड़ा तोड़ा भी सही, मुड़ा तोड़ा तो कहाँ से मिलेगा, उसी समय झंडा खरीदना तो पहले था भी नहीं तिरंगा। तो वो बस इन्हें गिने घरों में और सड़कों पर कोई आज़ादी का उल्लास हो उस समय ऐसा नहीं था। असल में ये कहानी छन छन करा रही थी कि किस मूल्य पर हमने ये आज़ादी पाई। इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज इतने शातिर थे कि गए तो हमको लूल्हा करके गए, काट करके भारत माता के तन को। और वो दंश, ये कहानी जैसी बात नहीं कि आज तक किसी न किसी रूप में हम भोग ही रहे। अंग कटा तो वो तो अलग कटा, लेकिन बाकी अब राजनीति की बात करने का अवसर नहीं है, लेकिन वो तकलीफ तो हम आज भी झेल रहे हैं। और आपने क्या देखा था सर, जैसे बदलाव क्या कुछ था, सडन बदलाव कुछ था? कुछ नहीं नहीं, पहली आज़ादी का एक साल के बाद फिर पिताजी का निधन हो गया, मेरा बिहार से छूट ही गया, तो उस शहर में क्या बदलाव हुआ वो मैंने देखा। वैसे हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, आज की बात करें तो देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। हम बताएं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं छोटा था, दीदी मेरी ब्याही है गोरखपुर में, तो बनारस में हम लोग आ जाते थे गांव से, वहाँ ट्रेन पर चढ़ के। एक बार हमको याद है, वो मीटर गेज थी, पूरे यूपी में मीटर गेज वाली लाइन थी,
जैसे रांची में भी पहले मीटिंग गई थी, तो ऐसा था कि सीट इस सिरे से उस सिरे तक दोनों तरफ ऐसे, तो बंद हो गया, इसलिए दोनों तरफ गेट, यानी एक बॉगी में मान लो 10 गेट इधर तो 10 गेट उधर, या 15 दरवाजे इधर 15। उस स्थिति से आज हम लोग किस स्थिति में आए हैं, कैसी गाड़ियां चल रही हैं, हम लोग एयरपोर्ट को एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशनों का विकास कर रहे हैं, हम चांद पर भेज रहे हैं, इसरो ने भेजा है, ईश्वर करेगा तो ठीक ही उतरेगा, ऐसे भी महंगाई लोग कह रहे हैं, बहुत सी महंगाई ऐसी होती है इस पर हमारा इंस्टेंट काबू नहीं होता है। और वर्षा हो गई, टमाटर की फसल ख़राब हो गई, तो 200 रहे चाहे 400 रहे, मत खाइए, 2000 एक साल मत खाइए। तो गालियां लोग लाख दें, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत विकास हुआ है। तो बिगड़ा क्या आज़ादी से? आज़ादी से बिगड़ा हमने अपने को लोकतंत्र कहा, और थोड़ा नेहरू जी आशावादी थे, ठीक ही थे, लोकतांत्रिक थे ही, विदेशों में पढ़े थे, तो हम ज़्यादा उत्साही हो गए। अब अच्छा किया कि बुरा किया, अच्छा ही किया होगा, बड़े लोग थे, एकदम खुला मतदान, मैंने हर किसी को मतदान का अधिकार, सिर्फ उम्र बता दी गई कि 18 साल से ऊपर, अब शादी की से क्या है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे बिगड़ती गई स्थिति। अब जैसे मेरा नाम है ना अशोक प्रियदर्शी, तो पिताजी की तक तो निधन ही हो गया, एक साल बाद मेरी माता जी बताती थी कि तुम्हारे पिताजी से लगवा कर पूछते थे कि बच्चों का क्या उल्टा पुल्टा नाम रख दिया है। मेरे पिताजी का सरनेम मेरा फैमिली सरनेम पाठक है, तो प्रियदर्शी रखे, तो मेरे दीदी का नाम इंदिरा था, अब तो है नहीं, वो निधन हो गया, उसका नाम रखे थे इंदिरा शर्मा। तो कई लोग पूछते थे, माता जी ने बताया कि कई लोग पूछते थे पाठक जी इन बच्चों क्या उल्टा पुल्टा नाम रखे हैं, तो पिताजी कहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया है, कुछ सालों के बाद जब तक ये बच्चे बड़े होंगे कोई जात पात पूछने वाला नहीं होगा। हमने कई बार अखबारों में लिखा है, अब तो कितना लिखूँ, अब मेरा लिखा कौन पढ़ेगा, मैंने लिखा है कि मुझको दुख है, मुझको अफसोस है, मेरे पिताजी गलत साबित हुए। आज स्थिति ये है, मान लो हमारे शहर में कोई अफसर आ जाए, उसका सरनेम ठाकुर है, तो हम लोग इशारे से कहेंगे कौन ठाकुर है यार, विद्यापति ठाकुर की गर्पुरी ठाकुर, मैंने जाति जाने बिना लगता है कि पेट का पानी नहीं पच रहा है, सिंह साहब कोई आ गए हैं, असली वाला है यार कि सिंह तो बहुत लिख रहे हैं, मैंने राजपूत है कि OBC वगैरह, तो और ये रोग कहाँ से आया है, चुनाव की पद्धति, जिस क्षेत्र में खोजा जाएगा कैंडिडेट तो देखा जाता है कि वहाँ किस जाति का वर्चस्व है, तो खुलेआम जाति पर मुहर लगती है, किस जाति का वर्चस्व है, इसलिए उसी जाति का नेता चाहिए। अच्छा सर, आप जो आज़ादी देखे 1947 की जो आज़ादी थी, और उससे कुछ साल बाद की आज़ादी, उसके बाद आज की आज़ादी, या आज का जो स्वतंत्रता दिवस है, दोनों तीनों परिस्थितियों में क्या अंतर है? उल्लास बढ़ा है, राजनीतिक स्थिति जो हो, अब राजनीति की बात करने का ये अवसर भी नहीं है, लेकिन वो स्थिति जो हो, जातिवादी हम हो गए हों, संप्रदायवादी हम हो गए हों, वो सब अपनी जगह, लेकिन 15 अगस्त आया तो उल्लास आँखों में भी झांकता है, शासन में भी झांकता है, शहर में भी झांकता है, यहाँ तक कि कुछ प्रबुद्ध जो गांव हैं वहाँ भी हर घर में ना सही, हालांकि नारा है ना हर घर तिरंगा, हर घर ना सही, कुछ जो जागरूक परिवार हैं इवन ट्राइबल्स में भी वो अपने घर में तिरंगा टांग देते हैं। तो तिरंगा हमारी आज़ादी की पहचान है, हमारी शान है, इसको लोग समझते हैं, बड़े गर्व से देखते हैं सारी गिरावट के बावजूद, तो शहर में तो उल्लास दिखता है, और बड़ी बात यह है कि ये बनावटी उल्लास नहीं है कि हम सरकारी अधिकारी हैं तो हमको 15 अगस्त मनाना ही है, हर छोटे बड़े कार्यालय में 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा ही, झंडों ध्वजोत्तोलन होगा ही, ऐसा नहीं है, सचमुच पता नहीं क्या उल्लास जगता है उस समय, हमारे देश की आज़ादी का उत्सव है। तो उस माने में तो मैं संतुष्ट हूँ कि स्थिति बहुत बदली है, और हम आज़ादी का उत्सव मनाते हैं तो पूरे जोशों खरोश से मनाते हैं। ठीक है।